वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट ईएमएफ की डेफिनेशन बताई थी, साथ साथ मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन आप लोगों को प्रूव करवाया था। हमारा जो इक्वेशन आया था दैट वॉज वी इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। चाहे तो मैं इसे ऐसे लिख दूं या फिर मैंने आपको बताया था कि इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, जितनी भी आवाज आ रही है थोड़ा सा साइलेंट मोड में बैठ जाएं, बाकी आपकी इच्छा है। जैसा तुम्हें दिखे तुम कर लियो, मुझे दिखे हो मैं कर ले हूं, है ना। तो ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन कल हम लोगों ने पढ़ा था और अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन भी हम लोगों ने प्रूव किया था, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। ये बातें हम लोग कल तक कर चुके थे और साथ साथ मैंने डायनमो में मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ डायनमो एक जैसा ही था, तो वो हम लोग पढ़ चुके थे। यस और नो? अब जो भी पूछना है मुझे आपसे पूछना है, आप लोग बताओ, अब आप लोग पढ़े लिखे हो, ये जो वोल्टेज है मैंने इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्यों बोला है? हैं? हाँ, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बताया था कल, टाइम बदलता जाएगा तो वोल्टेज बदलता जाएगा, इसलिए मैंने इसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोला है। कल बताया था अल्टर यानी चेंजेबल, है ना, वो वोल्टेज या वो करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बार बार चेंज होती है उसे हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यस और नो? अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। साइन आ रहा है इसमें? साइन कल मैंने बताया था आपको, साइन कर्व। आज भी हम लोग साइन कर्व के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इधर देखें सब लोग ध्यान से, v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, साइन आ रहा है सभी में, और साइन कर्व जो होता है दैट इज लाइक दिस, इसको हम लोग साइन कर्व बोलते हैं। क्लियर है? ये मैथमेटिक्स में आप लोगों को मैथ्स वाले सर ने बताया होगा कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। क्लियर? कल शायद मैंने भी बताया था आपके बैच में, राइट? आज वो मुझसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है पेज नंबर 2 पे, दैट इज डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये हम लोग कहीं ना कहीं चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं और 11th में भी पढ़ चुके हैं एक दो बार, राइट? तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इनके बारे में मुझे बात करनी है, तो गौर से सुनिएगा। टाइम पीरियड क्या होता है ये हमें जानना है। तो इससे पहले कि टाइम पीरियड जानूं, आप मुझे बताओ, ये ग्राफ है, ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, मुझे बता सकते हो इस ग्राफ में एक चक्कर पूरा कहां हो रहा है? यहां से शुरू हुआ एक चक्कर यहां पूरा हो जाएगा या नहीं होगा? यहां पूरा होगा एक चक्कर, यहां एक चक्कर पूरा होगा, उसके बाद यहां से यही प्रोसेस दोबारा हो गई, यही दोबारा हो गई, बेरवे जाइए एरो एरो रे एरो, तो जानते जानो कितने चक्कर है। और एक चक्कर में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड, या यू कैन से टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, या यू कैन से टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग लेटर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। काय से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। क्लियर? कोई पट्टा अगर मुझसे पूछता है कि काय रे फलाने टाइम पीरियड क्या होता है, तो फलाने क्या कहेंगे? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड। क्लियर है? या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर कैपिटल टी। ओहो, इसके अलावा आपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है चैप्टर 4 में, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोले भैया का? हाँ, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? चैप्टर 4 में सब पढ़ चुके हो यार, दोबारा क्या बताऊं। क्लियर है? अगली बात आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग तीन लेटर से डिनोट करते हैं, एन से करते हैं, न्यू से करते हैं और एफ से करते हैं। फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाऊंगा तो टाइम पीरियड नीचे आ जाएगा। किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि भैया फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, तो मैं उसे बोलूंगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सीन क्लियर है? सुनते जाना। फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन आपने और पढ़ी है, एक आध तो बता दो कोई। हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला? हाँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? यानी यहां पर ये एक
ये एक चक्कर है। इस तरीके से एक सेकंड में जितने चक्कर लगाए जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 3 लेटर से डिनोट करते हैं, या तो एफ से, या एन से, या न्यू से। फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का एक यूनिट हो गया 1 अपॉन सेकेंड। इसके अलावा इसका एक और यूनिट होता है, दैट इज हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में भी बहुत नापा जाता है। सीन क्लियर है? फ्रीक्वेंसी होता क्या है? दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? शुद्ध देसी में बात करूं तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर है? कहा कहा कही गन्ना को रस निकाले हुए भाई मशीन है, 6 सेकंड में 420 चक्कर लगा रही है। नेकाद नाने 6 सेकंड में 420 चक्कर लगा रही है, तो आप बताओ मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 70, क्योंकि 6 ones are 6, 6 sevens are 42। 1 सेकंड में 70 चक्कर हो, 1 सेकंड में जितने चक्कर होते हैं उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी गई? 70। समझ में तो नहीं आई? किसी ने पूछ लिया कहे लल्ला फ्रीक्वेंसी का है, तो लल्ला कहा कहेंगे 70 नहीं बे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फटाफट टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी आप सब लोगों को समझ में आ गए होंगे। साथ साथ टाइम पीरियड में ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया, लेकिन वहां में एक फॉर्मूला और चुपको, 2π/ω। जी कहाँ थे जी? नहीं पता पर पाई तो, नहीं पता पर पाई तो बाढ़ में जान दो। अब इधर आ जाओ ऑन द बोर्ड, देखे कौन सा बताओ मुंह पे थे। चुतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। तैयार हो? बताना इसमें एक चक्कर कहाँ खत्म है हम पे। तो जनते जन्नो पहुंचे में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। क्या होता है कमबख्त ये टाइम पीरियड? अच्छा, एक चक्कर का समय कहना चाहते हैं, इंग्लिश में बोल रहे हो काय? ठीक है, एक चक्कर का समय भैया क्या है टाइम पीरियड? बोलो। देखियो मैं ऐसे खड़ा हूं यहां पर, ओ ओ एक चक्कर लगा लिया मैंने, और मेरे को ये एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगेगा उसे क्या बोलूंगा? समझ गए? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। भाई मैं जब एक चक्कर घूमो तो कितने डिग्री के एंगल से घूम गया? 360। 360 को टोपा बोल सकता हूँ, टोपा 2π, पाई 180 होता है ना। बोलो ना, बोलो ना, बोलत का है ना ही। अच्छा मैं, मैंने क्या किया था, मैंने मैंने क्या किया, मैंने लीनियर मोशन किया या रोटेशनल मोशन किया? मतलब मैं घूम रहा था, वो कल बता चुका हूँ, अगर कोई चीज घूमती है तो उसके अंदर कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी। सिर्री बता देगा एगो माइकल आल जो मुझे बता दे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओमेगा बराबर, अच्छा तुम्हें ही बताइए, तुम्हें ही बताइए, तुम्हें ही बताइए, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अब मैं कछु कहूंगा नहीं, जो भी करना है आपने ही करना है। स्मॉल टी क्या है? टाइम। तो मैंने कैपिटल टी दे दो, कैपिटल टी दे दो मतलब टाइम पीरियड, मतलब एक चक्कर का समय, मतलब समय एक चक्कर को धर रहा हूं। अगर समय एक चक्कर को धर रहा हूं तो एंगल उधर एक चक्कर को ही धरेंगे। अब बताओ एक चक्कर में कितने एंगल? 2π, टोपा। क्लियर है? समझ गए? कहोगे को परेशानी? कैसे आया बात समझ में आई? टाइम पीरियड का एक डेफिनेशन पढ़ा था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जीरो तो t बराबर 1/f होते हैं, तो t की जगह अगर यहाँ 1/f धरेंगे तो गौर से देखिएगा, टोपा तो जी आता ही है। जे t की जगह 1/f धरेंगे तो अपॉन में 1/f कहाँ पहुंच जाएगी? तो जितने को जो नर्रा रहे ना जिससे टोपा फेल है। क्लियर? तो ओमेगा का अगला फॉर्मूला क्या है? टोपा फेल 2π/f। सीन क्लियर है? बस कैसे आए समझ में आई बात? पागलों की तरह रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी,
टाइम की जगह अगर टाइम पीरियड रख दिया, एक चक्कर का समय रख दिया, तो एंगल भी एक चक्कर का रखेंगे, 2π अपॉन कैपिटल टी, और फिर टी बराबर होता है 1/f, तो टी की जगह 1/f। का हुए को परेशानी? नहीं नहीं हुए तो बताओ आप ना, तो बस सुनो आप, अगर इतने क्लियर है और लाल आ रहे तो मुझे ये बता दो ओमेगा बराबर 2π अपॉन टी है, 2π नहीं 2π, ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी है नहीं है, है ना? का टी ना ले आओ तो ओमेगा कहाँ आ जाओ, तो टी बराबर तिहाई है जाएगी 2π अपॉन ओमेगा, बोले भैया तो टी की जगह ऐसा ना लिख सकता 2π अपॉन ओमेगा, बोले भैया तो सुन ले लल्ला, तुमने वाली टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निपटाई है, टाइम पीरियड में मुझे तुम तो चार आने की उम्मीद ना आने, पर तुम तो जा फॉर्मूला याद रखो, जा याद कर वही गुजरत नाने पर लिखी है वहां पे, तो कैसे आई ये बात समझ में आई? उसके बाद आपको जो नोट दिया उस नोट में ये सारे फॉर्मूले बैक टू बैक लिखे हुए हैं, बिल्कुल टकाटक घुटा घुटाया होना चाहिए, चकाचक, क्लियर? कैसे आया समझ में आ गया? तो नोट में फॉर्मूला देख लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। लिसन एवरीवन, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया है, क्लियर? अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज्जत का जनाजा निकलेगा इसलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है? चुन चुन के पूछूंगा, जलील किसी को भी कर सकता हूं, आ जाओ गांव वालों। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, ओटी वगैरह में बहुत पूछता है, भारत में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, क्लियर? और यूएसए में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 हर्ट्ज, क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, भारत में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज, और यूएसए में अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 100 हर्ट्ज। सब लिखा मिलेगा, जो नहीं लिखा होगा मैं खुद बोलूंगा, आप चिंता ना, सब नोट्सों में लिखा हुआ है, बस इधर उधर लिखा होगा, बिल्कुल घबराए नहीं, क्लियर? अब आप बताओ, मैंने बोला भारत में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो पहले तो मुझे ये बताओ फ्रीक्वेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, है ना? अब बताओ, मैंने बोला है भारत में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जाको मतलब का है 1 सेकेंड में? अच्छा, मतलब यू मीन टू से भारत में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 50 चक्कर? जी चक्कर से क्या मतलब है? जी जी ऐसे साइकिल ऐसे कितने बेर? 50 बेर। जी कितने बेर है भाई? एक बेर। सीन क्लियर है? ऐसे 1 सेकंड में क्या चक्कर है यहाँ भाई साहब? क्या चक्कर है यहाँ 1 सेकंड में? 50। कितने? 50। क्या सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 चक्कर होंगे गाय? फिलहाल 50 में तो मैं 1 चक्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 1 चक्कर इतने ले लेता हूँ कोपचे में, 1 चक्कर। तो काय 1 चक्कर तुम बताओ अब मुझे, 1 चक्कर का नो कम जनते शुरू हो चक्कर, 1 चक्कर जनते शुरू हो समीर, कहां पे खत्म हो? जम पे? यही कहना चाहते थे ना? चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो और इधर आओ। 1 चक्कर जहां खत्म होगा या जाके ठीक नीचे खत्म होगा? कहां खत्म हो वो? हेलो, पहला चक्कर यहां से शुरू हुआ तो खत्म कहां होगा? इस ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे? नीचे वाले पॉइंट, ऊपर से तो दूसरा चक्कर शुरू हो गया, नहीं आई बात समझ में? लिसन लिसन लिसन, तो पहला चक्कर कहां खत्म हो गया? जस्ट नीचे, जो ये पॉइंट है उसके जस्ट नीचे, वहां पहला चक्कर खत्म हो गया। हो गया नहीं हो गया? है कोई माइका लाल जो मुझे बता दे यहाँ पे करंट कितना है? यहाँ पे अगर करंट जीरो हो तो लट्टू जले जागो या बुझ जागो? है बुझ जागो, यानी ऑफ या ऑन? ऑफ। मैं 1 चक्कर की बात कर रहा हूँ जनते जनों की, ठीक है? नीचे वाले पॉइंट तक की, ठीक है? तो जम पे लट्टू जले गो बुझी गो? ऑफ ऑन? ऑफ मतलब ऑफ है काय? और जैसे ही भाई साहब जनते जहां जाएंगे करंट मैक्सिमम है जागो, लट्टू जल जागो या बुझी जागो? जल जागो यानी ऑन या ऑफ? है
ऑन। अब जनते जे आएगे तो करंट कितने गएगो? जीरो। लट्टू बुझीगो जलीगो? बुझीगो यानी। और फिर जनते सी तो यहां जागो तो ऑन। अब करंट बहन लगो। अब अब आप बताओ, एक चक्कर में लट्टू केवे जलीगो? एक चक्कर में दोवे जलीगो, दोवेर बुझेगो। लट्टू एक चक्कर में दोवे जलेगो, दोवेर बुझेगो। तो 50 चक्कर में ये 25 बार को था तब रे जाएंगे वाले, ये 25 बार चले जाते हैं ना कहां कहां थे भाई। लट्टू एक चक्कर में दोवे जलेगो, दोवेर बुझेगो। तो 50 चक्कर में 100 बे जलेगो, 100 बेर बुझेगो। माइंडेड, थोड़ा सा फोकस करें, पागलपंती ना दे। एक चक्कर में दो बार चल रहा है, दो बार बुझ रहा है, तो 50 चक्कर में 100 बार ऑन और 100 बार ऑफ, और ये 100 बार ऑन 100 बार ऑफ 50 चक्कर में हो रहा है। और ये 50 चक्कर कितने टाइम में हो रहे हैं? मतलब लट्टू एक सेकंड में 100 बेर जल रहा है, 100 बेर बुझ रहा है। इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब एक सेकंड में 50 चक्कर लगेंगे, और एक सेकंड में 50 चक्कर लग रहेंगे तो लट्टू 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। हमारे घरों में जो खंबे से सप्लाई आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ये ट्यूबलाइट जल रही है ना, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये एक सेकंड में 100 बेर जल रही है, 100 बेर बुझ रही है। पर ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि हम लोग इसे जज नहीं कर पाते। ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन वी कैन नॉट जज इट। क्लियर? मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये लिसन, क्या होता है थोड़ा सा बताता हूं आपको, समझने की कोशिश करना। आप किसी भी चीज को देख रहे हैं तो आपका इमेज रेटिना पर बनता है, राइट? अब अगर कोई चीज आपकी आंखों के सामने से हट जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट जिसका इमेज आपकी रेटिना पर बना हुआ है ना, वो आपकी आंखों से एकदम से नहीं हटता, उसे आंखों से हटने में 1/16 सेकंड का समय लगता है, 1/16 सेकंड का समय लगता है। क्लियर है? यहां पर माइंड इट, यहां पर गौर से देखिए, एक सेकंड में बल्ब 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझता है, तो मुझे जलता बुझता क्यों नहीं दिखाई देता? तो कारण इतना है कि इस जैसे मुझे जलता हुआ दिखाई दिया, फिर जैसे ही बुझा तो जब तक वो जलने की इमेज हट पाती तब तक वो दोबारा जल गया। नहीं, यही बात है। यानी ये प्रोसेस कुल मिला के शॉर्टकट में बोलो, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हम लोग इसे जज नहीं कर पाते। आई होप यू अंडरस्टैंड। सीन क्लियर है? अब वो नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, डिफाइन एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। हेलो, डिफाइन एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। एम्पलीट्यूड हो चाहे पीक वैल्यू, इसका एक और नाम है मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? क्या ये सपोज करो वोल्टेज या करंट का ग्राफ है, मान के चलो मैंने वोल्टेज का ग्राफ मान लिया, तो यहां पीक वैल्यू बोलते ना, पीक चोटी, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाँ, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, समझ गए ना? पीक का मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहां पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पे ये है। अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी इसे बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लोग वी जीरो से डिनोट करते हैं। क्लियर? ये भी पीक वैल्यू है और ये भी पीक वैल्यू है, ये दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम है, बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर? यहां पर आपने कल जो इक्वेशन प्रूफ की थी इसी को हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोले तो भी इसी की बात कर रहा है, वी जीरो की। कोई एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज बोले तो भी वी जीरो की बात कर रहा है, अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोले तो भी वी जीरो की ही बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? वी जीरो को आप पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बोल सकते हैं। सीन क्लियर है? इन तीनों का मतलब सेम है। क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है? ये भी मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, बस ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। जो बोला पल्ले पड़ा, हाँ, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, डिनोटेड बाय द लेटर वी जीरो, वी सफिक्स में जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब मैं थोड़ा सा, वैसे तो आप इतना समझ गए, इतना पर्याप्त है, ज्यादा ज्यादा बतावे की जरूरत ना है, पर जो लोग अच्छा पढ़ते हैं उनको बता दूं, वोल्टेज का इक्वेशन आपने यही तो लिखा है वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करके एक चैप्टर, डोमेन रेंज पढ़े होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा के डोमेन रेंज पढ़े हैं आपने, साइन थीटा की रेंज पढ़ी है, साइन थीटा की रेंज होती है -1 से 1। बोलो भैया, अब आप बताओ साइन जब बदलते थीटा ही तो है,
अब आप बताओ साइन थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितने गए जाएगी, और वन का मल्टीप्लाई वी जीरो से करोगे तो वी जीरो ही तो आगो, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी वी जीरो। नेगेटिव डायरेक्शन में तो साइन थीटा की नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का वी जीरो से करोगे तो माइनस का वी जीरो, इसीलिए हम इसे पीक वैल्यू बोलते हैं। नहीं है मेरे पास समझ में, सीन क्लियर है? तो ज्यादा उम्मीद ना हो, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ गए? पढ़ लो फिर आगे बढ़ेंगे। याद हो गया सभी का? इसके बाद आपको एक नोट दिया है जिसमें काफी सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, ये सब सर्किट से रिलेटेड है, तो ये हम बाद में लेंगे, ठीक है ना? इसको रोक दो अभी, इस नोट को, ये सारे एक ही शॉट में होंगे। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन है, डिवाइन एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, राइट? एवरेज वैल्यू जो भी करना है आप नहीं करना है, मैं तो इशारा करूंगा, इधर आ जाओ ऑन द बोर्ड। आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसे ही तो बनाया, बोले भैया, और आप बोलते थे सर जनते जमते एक चक्कर खत्म हो गया सर नो, तो यहां से यहां तक एक चक्कर है, तो इसका मतलब ये चक्कर कितना है, आधे चक्कर में ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये ओरिजिन होता है, ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव नीचे की नेगेटिव, आधे चक्कर में पॉजिटिव है, बाकी के आधे चक्कर में नेगेटिव है, बोलो भैया, आधे चक्कर में पॉजिटिव आधे चक्कर में नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए एक कंप्लीट साइकिल में, वन कंप्लीट साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू जीरो और वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू जीरो। क्यों जीरो, बात समझ में आई? क्योंकि ये आधे चक्कर में पॉजिटिव आधे चक्कर में नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू इसकी जीरो होती है। यही कारण है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है, केमिकल इफेक्ट शो नहीं करता है, ये केवल और केवल हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट ना तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करें ना केमिकल इफेक्ट शो करें, ये केवल हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। मेरी बात को समझना, थोड़ा सा आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। हमने पढ़ा था, याद है, किसी वायर में करंट फ्लो करो तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, पढ़ा था। अब आप बताओ, आधे चक्कर में पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, बाकी के आधे में डायरेक्शन अपोजिट है गई तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगा, तो नेट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। यही कारण है कि अल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था आपने, किसी इलेक्ट्रोलाइट से जब करंट पास किया जाता है तो वो दो कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। अब ये आधे चक्कर में पॉजिटिव टूट गए, आधे में नेगेटिव जुड़ गए, तो फाइनली ये प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भैया अल्टरनेटिंग करंट जो होते हैं वो न तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं ना ही केमिकल इफेक्ट शो करते हैं, ये केवल और केवल हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। समझ में आ रही है बात? ये मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते है? क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में इनकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, जीरो, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, आज से कुछ महीनों पहले आपने चैप्टर 4 पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पर गैल्वेनोमीटर पढ़े थे। अब खुदा ही सोच लो, वो गैल्वेनोमीटर जो करंट नापते होंगे वो कौन सा करंट नापते होंगे, एसी या डीसी? हैं? डीसी करंट नापते हैं, उनसे एसी करंट नहीं नापा जा सकता, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़े थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड थे और एसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। तो हम चाहें कि जो गैल्वेनोमीटर हमने पढ़े थे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वगैरह, उनसे अगर हम ये चाहें कि एसी करंट नप जाए तो क्या नप जाएगा? क्या नहीं नपेगा। एसी करंट को नापने के लिए हमें एक ऐसे गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होगी जो कौन से इफेक्ट पर बेस्ड हो, हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हो, क्योंकि एसी करंट हीटिंग इफेक्ट शो करता है। इसीलिए इसको नापने के लिए हम लोग जिस गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हॉट वायर गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है? हॉट वायर गैल्वेनोमीटर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, इसलिए इससे एसी करंट नपता है। बात समझ में आ रही है? इसके कंपैरिजन में जो डायरेक्ट करंट होता है वो सर्वगुण संपन्न होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, केमिकल इफेक्ट भी शो करता है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। अब जितना मैंने बोला उस आधार पर आप लोग मुझे बताएं कि जिस गैल्वेनोमीटर से एसी करंट को नापा जा सकता है क्या उससे डीसी करंट नप जाएगा? है? नप जाएगा, क्योंकि डीसी करंट भी हीटिंग इफेक्ट शो करता है। भैया एसी करंट नप रहा है तो वो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होगा, तो डीसी करंट भी तो हीटिंग इफेक्ट शो करता है तो नप जाएगा। अब बताओ,
जिस गैल्वेनोमीटर से डीसी करंट नपता है क्या जरूरी है उससे एसी करंट नप जाए? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि डीसी करंट को नापने वाला गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड हुआ, तो एसी करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता ही नहीं है, तो एसी करंट उससे नहीं नपेगा। जो रामायण बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है? हैं, कितने लोगों को समझ में आ गई? आपके नोट्सों में सबसे लास्ट पेज पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए हैं, सबसे लास्ट दो क्वेश्चन दिए होंगे। व्हाई डज द अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट एग्जिबिट द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है व्हाई कैन अ हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। मिला? दोनों क्वेश्चन पढ़ लो, हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं, वापस लौट आओ जाते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है अल्टरनेटिंग करंट की? जीरो। क्लियर है? और ऐसे ही वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू जीरो है। जीरो वैल्यू क्यों आई इसको समझें। ये कितनी चक्कर है? ये पूरा चक्कर है या आधा चक्कर है? आधा चक्कर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू जो होती है दैट इज 2i0/π, वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज 2v0/π। और नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज माइनस का 2i0/π, और वोल्टेज की जो एवरेज वैल्यू होती है दैट इज -2v0/π। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू है। भविष्य में जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट। क्लियर? अब मुझे कंप्लीट साइकिल में निकालनी है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल की दोनों वैल्यूज को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2i0/π प्लस का, 2i0/π माइनस का, टोटल करूंगा जीरो, टोटल करूंगा जीरो। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर? तो पढ़ लो, डिफाइन एवरेज वैल्यू, समझ जाओगे। उसके बाद का नोट भी पढ़ लेना, शायद नोट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी का हो गया होगा। पेज नंबर 5 पे एक नोट दिया है, पेज नंबर 5, उस पर नोट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए हैं, 1, 2, 3। मिला? 3 पॉइंट दिए हैं, 1, 2, 3। सेकेंड पॉइंट पढ़ लें, केवल सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।